छे भजन करूं। सरस्वती सिमरु सारदा गुण पत लागू पाए सत्य वार्ता कहत हूँ मोहे दीजो ज्ञान बताए दीजो ज्ञान बताए दीजो मोहे बताए सिद्धि में आए आज धर्म की बात है श्वास में कहे सोनी हरिचंद ब्रह्म में रहे समाय सरस्वती सिमरू सारदा गुणपति अनुपदास जी महाराज के बहुत ही सुंदर भजन सोनी हरिचंद जी ने लिखे और एक भजन आदरणीय श्री छवरलाल जी गहलोत मेरे गुरुवर ने लिखा जिसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया उसी भजन से मैं आज की मेरी भक्ति शुरू करूंगी उस भजन को गा के आप सभी का सहयोग चाहूंगी। भजन कमायो नाम बोले अनुपदास जी महाराज की। अब ताली के साथ आप सभी को इस भजन की शुरुआत करनी है। अनुपदास जी महाराज क्षत्रिय वंशी रावणा हाथों को उठाए अनुपदास जी महाराज क्षत्रिय वंशी रावणा हो जीवानी तारेला भव पार उतारेला जीवानी तारेला भव पार उतारेला अनुपदास जी महाराज
राजनीति के जंजाल में घुसे हुए अभी तक, उनसे भी निवेदन है अनूप दास आपसे कर रही हूँ। आप पीछे वालों को बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, छोड़ दी राजनीति। अच्छा ये बोल रहे हैं अनूप दास जी महाराज की भक्ति कर रहे, राजनीति छोड़ दी, छोड़ दी आपने, छोड़ दी उन्होंने, छोड़ दी सबने, छोड़ दी। चलिए समाज के लिए बहुत अच्छा काम करें, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। देखिए दादा सोडाला साहब, कल जब मैं रात को सो रही थी तो मुझे एक सपना आया था कि कल मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन मैं समाज में जाके गा रही हूँ, बहुत सारे समाज के बड़े बड़े व्यक्तिगण आए हुए, समाज बंधु आ रखे, मातृशक्ति आ रखी थी और मैं गा रही थी और मेरे सपने में ये आया कि वहाँ पे सोडाला साहब भी विराजमान थे और उन्हें मेरा अनूप दास जी महाराज का भजन इतना अच्छा लगा कि 2000 रुपये के नगद पुरस्कार आपने लाके मुझे दिया। तो सपना है मैं, तो मैं आपको सपना बता रही हूँ। साथ में पहाड़ सिंह, आपका क्यों दिल जल रहा है? अरे तो आपका क्यों दिल जल रहा है? आपको तो अपनी जेब से देना नहीं पड़ रहा है और आपके बारे में तो मेरे को कभी आता ही नहीं है। इनका इनका माइक बंद करना हो। ये सपना झूठा है, मुझे पता है, वो उनका सारा काम क्रेडिट कार्ड से होता है, उनके पास 2000 नहीं है अभी। कोई बात नहीं, पेटीएम कर देंगे, पेटीएम कर देना, हमारे तो हमारे पास पेटीएम भी है, मैं लिख के रखूंगी। और साथ में पहाड़ सिंह जी भी थे, भाकर सिंह जी भी थे, ईश्वर सिंह जी भी थे, ईश्वर की कृपा से खूब दिया भगवान ने, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे गुरु महाराज अनूप दास जी महाराज का, बाकी मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इन सबके बारे में मेरे को सपना आया और मैं आप सभी के बीच में बता रही हूँ, अब नहीं दे तो आप जानो। और अनूप दास जी महाराज जाने, ऐसा नहीं होता, एंट्री तो होती नहीं, हमारे तो केस पेमेंट वाला काम है। हार सिंह जी आओ, अनूप दास जी, चलो कोई बात नहीं, पैसे रहने तो आप खड़े होके हाजिरी तो लगा दो, एक बार जोरदार ताली बजाए हमारे अनूप दास जी महाराज के भजन पर। नृत्य करेंगे पहाड़ सिंह जी कुंडल, वाकर सिंह जी, और आशीर्वाद देंगे सोडाला साहब, ईश्वर सिंह जी, और मेरे दाऊसा कहाँ गए, दाऊसा कहाँ? अनूप दास जी महाराज, अनूप दास जी महाराज, थोड़े थोड़े हाथों को खोले, अनूप दास जी महाराज क्षत्रिय वंशी राजा। मैं तो बोलती नहीं, इनकी मर्जी नाचे तो। और साथ में विशन सिंह जी, इनका साथ देंगे क्योंकि आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पर हमेशा ग्रुप की बातें चलती रहती हैं, ग्रुप के बिना कोई काम ही नहीं होता, एक आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। तो विशन सिंह जी आप पधारे, विशन सिंह जी, 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 अनूप दास जी महाराज, छोटू सिंह जी, विशन सिंह जी। अब आप लोग डिसाइड कर लो किसको नाचना है, मैं तो ये, ये कोई नहीं नाचेगा, मैं थोड़ा सा मन रख लेता हूँ।
सिंह जी चौहान बांगड़ी में रहता माँ जैती भाई नाम धराय ओम सिंह केवता। अनूपदास जी महाराज ने आज अपे अनूपदास जी महाराज अनूप स्वामी निम्न प्रकार रे नाम सु अपा पहचाना, लेकिन अनूपदास जी महाराज रो नाम पहला ओम सिंह थो। और वो अनूपदास किकर पड़ो किकर वे ओम सिंह अनूपदास कहलाया उन्हें मैन भजन में बताओला। पिता हीरा सिंह चौहान बांगड़ी में रहता माँ जैती बाई नाम धरायो ओम सिंह केवता। गायो चरावता भजन रामरा गावता अनूपदास जी महाराज क्षत्रिय वंशी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी, मैंने 3 जनों को बुलाया, कोई आया तो है नहीं। क्या बात है, हरि सिंह जी अनूपदास जी महाराज क्षत्रिय वंशी नाचो, लेकिन एक बार बोल दो जय श्री। क्या बात है, बोले श्री अनूपदास जी महाराज की। एक बार आप भी बोल दें, अनूपदास जी महाराज की। अनूपदास जी महाराज क्षत्रिय वंशी रावणा। स्वरूप ने तारे लाल रोशन
सत्संग करता अनेकों पर जा दिया महाराज सत्संग करता आता जाता पल में कहीं धरण पावन धरता आता जाता लेकिन धरती पर पावन ही धरता और प्रकृति नो नियम है जो व्यक्ति आयो है उन्हें एक दिन जानो पड़ेला तो हो जद आया परिवाना गुरु हो यारे दीवाना कितनी सुंदर बात लिखी जद आया परिवाना गुरु हो यारे दीवाना जद आया परिवाना गुरु हो यारे दीवाना अनुबदास जी महाराज अनुबदास जी महाराज क्षत्रिय वंशी क्षत्रिय वंशी क्षत्रिय वंशी